So, दो चीज आप हमेशा याद रखना वैक्सीनेशन के बाद, अल्कोहल फॉर वन डे एंड लेट मी टेल यू वेट अल्कोहल फॉर वन डे एंड फॉर वन सॉरी उल्टा कर दिया मैंने. सो आज है वेनसडे और आज ऑफिस अभिषेक ऐसा क्यों होता है मेरे साथ. सो आज है वेनसडे और अभिषेक आज ऑफिस जा चुका है. उसको हफ्ते में दो ही दिन काम होता है, मंडे और वेनसडे. तो ये दो ही दिन में मुझे घर की पूरी सफाई करनी पड़ती है, मतलब ऐसे डीप क्लीनिंग. अगर वो होता है तो मैं सब नहीं कर पाती क्योंकि उसके ऑफिस के कॉल्स मीटिंग ऐसे बार बार चलते थे और उसमें मुझे बर्तनों का आवाज करना, पानी का आवाज करना ऐसे अच्छा नहीं लगता. लाइक ऐसा लगता है कि अपने घर में चोर है, धीरे से वो टैप ओपन करो, धीरे से बर्तन निकालो. इसलिए मैं वो जब भी चलते तभी सब काम निपटा लेती हूँ. और क्लीनिंग करना है तो मुझे ऐसे लाउड म्यूजिक चाहिए, ऐसे मतलब डांस करने वाला, तो ही मेरे काम आगे बढ़ते थे, मेरे काम वैसे ही वैसे स्टॉप हो जाते. अक्सर हम लोग को पूछा जाता है कि आप लोग कितना नॉनवेज खाते हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग बेसिकली मंडे ट्यूसडे और कभी कभी सैटरडे के दिन पूरा प्योर वेजिटेरियन होते हैं और बाकी के दिन नॉनवेज खाते हैं. अगर इंडिया में है तो मंडे ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे इतने दिन प्योर वेज रहना ही पड़ता है. तो चलो आज मैं बना रही हूँ भिंडी की करी, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है. भिंडी की करी बनाने के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए धना, क्या बोलते हैं, हाँ, कोरिएंडर सीड, जीरा, लहसुन और ये ऑनियन और ये है फ्रेश कोकोनट. तो ये सब मिक्स करेंगे और इसका फाइन पेस्ट बनाते हो. जो फर्स्ट हमने ट्राई किया है वो है मट्टा राइस, जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में मिलता है ना वो राइस मैंने बनाया, बट ये ब्रोकन मट्टा राइस है क्योंकि बहुत दिन हो गया हम साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में नहीं गए. जो बनाना लीफ पे डालते हैं ना वो मोटा राइस, उस पर बहुत सारी करी है, वो मुझे काफ़ी पसंद है. रेडी है, मैं फटाफट से खा लेती हूँ. बस इसमें एक ही चीज की कमी है, वो है साउथ ईडन का टिपिकल पापड़, जो मुझे काफी पसंद है. वो एक्चुअली मैं लाना भूल गए, नहीं तो हमारे घर में हमेशा होता है, मैं एक हाथ दूसरा तो खा ही लेती हूँ. सो मैं फटाफट से आपको इस ग्रेवी की टेस्ट बताती हूँ कि ये कैसी लग रही है. सो थोड़ा ही लिया मैंने. ओह माय गॉड, इट्स सो अमेजिंग. थोड़ी तीखी है, थोड़ी टैंगी है और बहुत ही मजे के बने. भैया अगर फॉरेन में रहना है तो सब काम खुद को ही करना है. सो आई जस्ट फिनिश ऑल माई वर्क. तो अभी मैं ऐसे ही बैठी हूँ एंड मैंने अभी सोचा कि चलो अभी घर की तो साफ सफाई हो गई, मैं अभी थोड़ा खुद का पैम्पर करती हूँ. सो आई जस्ट गॉट दिस मास्क फ्रॉम कैरी फोर, डेड सी मड मास्क. देखते अभी कैसा है. हालांकि मैंने दो तीन बार लगाया लेकिन मुझे इतना कुछ फर्क नहीं नजर आया, फिर भी मैं लगा रही हूँ क्योंकि अभी जो लिया उसको खत्म तो करना है. क्योंकि मैं रेगुलर में जो मामाल का उपटन मास्क होता वो मैं लगाते, वो अभी खत्म हो गया. तो अभी जब भी मैं इंडिया जाऊँगी तो मैं बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आऊंगी मामाल के, वो मुझे काफी सूट होते हैं. आप आलू देखो मैं कितने सारे आलू डाल रही हूँ. एक सैंडविच में अभिषेक को कम से कम इतने सारे आलू चाहिए चाहिए. अगर नहीं होगे ना तो लिटरली वो सैंडविच नहीं खाएगा. वो मुझे बोलेगा कि तू ऑलिव ऑयल कर और मुझे वापस नया सैंडविच दे दे. तो ऐसा हमारे घर में सीन होता है आलू के लिए. तो ये रहे अभिषेक के सैंडविच, आलू वाले सैंडविच, आलू वाले के लिए खाओ. यस, तुझे तो इतना लगता है आलू. एक सैंडविच में मैंने कम से कम एक आलू डाला है, पता है. sure. हाँ, और वो दब गया अभी इसलिए तुझे ये था. ऑनियन भी है, सब कुछ है. तू जज मत कर, मैंने वीडियो में सब कुछ डाला, तुझे पता चल जाएगा. पहले तू ये पता, तूने ऑफिस से क्या किया, क्या कांड किया, क्या तीर मारा है. And of course the COVID vaccine. तो मैंने ले लिया, ऑफिस से मैं गया था एक्चुअली. और एकदम सिंपल प्रोसेस था, मैं गया पहले, टेम्परेचर चेक हुआ, उसके बाद बीपी चेक हुआ, दोनों नॉर्मल निकला, इमीडिएटली मेरा वैक्सीनेशन हो गया. तुझे कुछ इफेक्ट वगैरह से लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है मेरे को एक्चुअली, नॉर्मली नॉर्मल लग रहा है ना. तो अभी मेकअप लेके दिखाता हूँ, ये देखो. तो मेकअप जाओ, और अगर आपको नॉर्मल इंजेक्शन दिख रहा है ना तो मेरे पास और एक प्रूफ है. क्या है अभी प्रूफ? कार्ड है ना, घुमा मत. So it says vaccinated. अरे वाह, सही है. तो उसमें actually इसने next date भी लिखा है क्योंकि आपको दो doses लेना है और next date है मेरा 24th of Feb. अच्छा.
तो 24th of Feb को डे क्या आ रहा है, मेरे ऑफिस से जा सकता हूँ मैं तो आराम से जा सकते हैं। बाय द वे मेरा कब लेगा, मुझे कब लेना है? हाँ एक काम करते हैं, मेरा एक वीक रुकते हैं और उसके बाद देखते हैं मेरा असर कैसे होता है, फिर तेरा लेते हैं। वो जैसे कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं ना? सो गाइस असल में वैक्सीन बहुत पहले ही लेने का सोचा था, क्योंकि हम लोग बहुत सारे आउटडोर एक्टिविटीज करते हैं, बहुत भीड़ में जाते हैं, सो वी आर काइंड ऑफ वल्नरेबल मे बी बिकॉज ऑफ व्लॉगिंग, और इवन व्हेनेवर वी गो टू ग्रोसरी शॉपिंग और यू नो हाइपरमार्केट्स एंड ऑल, दे विल बी क्राउडेड। सो आई हैड दिस थॉट इन माय माइंड कि मैं वैक्सीन ले ही लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाने दो। अभी यूएई में ऑलमोस्ट 3 मिलियन मतलब 30 लाख लोगों ने ये वैक्सीन ले लिया, सो आई थॉट कि नाउ इट इज proven enough to take or to experiment on myself first and then swagata. अभी experiment का कोई बात नहीं है सच, जिन जिन लोगों ने मेरे knowledge में लिया है उनका तो almost stable है health and they haven't seen any side effects. तो मुझे लगता है कि मुझे लेना चाहिए था आज, सो मैंने फर्स्ट डोज तो ले लिया। अभी स्वागता का मैं आई थिंक वीकेंड को कर ही दूंगा। स्वागता चल तेरा वीकेंड का कर देते हैं यार। हाँ पर सैटरडे करते हैं, फ्राइडे बहुत जल्दी रहेगा। हाँ सैटरडे करते हैं, करेंगे। वैक्सीन लिया इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग विदाउट मास्क फ्रीली हाँ वहाँ घूम सकते हैं, अभी भी रिस्ट्रिक्शंस वही है, फाइंस भी वही है, बिकॉज देर इज अ रीजन, बिकॉज सी ऑल्दो वी हैव टेकन और आई हैव टेकन द वैक्सीन डजंट मीन दैट यू नो आई कांट बी द कैरियर, आई स्टिल कैन बी द कैरियर। ऐसे मुझे अभी कोरोना के एक साल तो हो गया, एक डेढ़ साल हो गया, मुझे कुछ सच हुआ नहीं, बाय गॉड ग्रेस एंड योर प्रेज ऑफ कोर्स, बट स्टिल आई प्रिफर नॉट टू बी द कैरियर एज वेल। तो मैंने वैक्सीन ले लिया है, इसने वैक्सीन अभी नहीं लिया है, इसका वैक्सीन होने वाला है वीकेंड पे, हम लोग कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर देते हैं। बहुत सारे वॉकिंग्स भी चल रहे हैं और यूएई मतलब दुबई रादर फ्री में वैक्सीन दे रहा है, सो मुझे कोई पे नहीं करना पड़ा। आई थिंक इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज यू डोंट हैव टू पे फॉर द वैक्सीन फॉर श्योर, बट दुबई आल्सो यू पे करेंगे। हमें कुछ मतलब हमने थोड़ी डिस्कवर किया है, वो चाइना से आके हमको परेशान कर रहा है, हम पे करेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है। Okay, whatever it is, let's not go into this controversial topic. Yes. Now, we'll focus on my sandwich first. I'll focus on my sandwich first and Swagata will do the editing because this vlog needs to be put up on our channel tomorrow because we have promised you tomorrow? That we'll give you... Not tomorrow. No, sir, it's the day after tomorrow, right? Yeah, because we have promised you that we'll give you alternate days vlogs. Are wah, Swagata. तू आजकल टाइम इतना फॉलो कर रही है, तेरा सात, अरे 7 बजे नहीं, आज तो 6:30 बजे खाना स्टार्ट किया। मैंने सोचा अभी तूने थोड़ा सैंडविच खा लिया तो मतलब पूरा ही खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद मुझे एडिटिंग भी करना है और मुझे थोड़ा ग्रोसरी भी जाना है और ऐसे बहुत सारे काम है, तो मैंने सोचा कि पहले अपना इम्पोर्टेंट काम निपटा दूं। एक बार तो ठान ली थी तो यू विल नॉट इवन लिसन टू योरसेल्फ। यस, वो क्या डायलॉग है मैं भूल गया, मेरे को डायलॉग तो वैसे भी नहीं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं ये पता है दोपहर का ही क्या खाना है, वो तो बता। दोपहर का ही खाना है ये, भिंडी की करी। लुकिंग समथिंग वेरी यम्मी यार, व्हाट खाने वाला है, क्या ये भिंडी की करी है। Guys, I forgot to tell you one very useful tip after the vaccination which he has given me. और of course जो जिधर भी आप जाओगे वैक्सीनेशन के लिए वो लोग आपको बताएंगे, लेकिन क्योंकि उन्होंने मुझे बताया तो I feel that it is my फर्ज to share this information with you. So after the vaccination, the very first thing is you are allowed to have anything and everything except for alcohol for 1 month. So you should be strictly avoiding alcohol for 1 month. And second thing is you should not be doing exercise for 1 day. So aaj meri exercise skip hone wali hai, isliye maine socha ki kyun na vlog hi kar de. Rather iska vlog maine continue kiya, as such maine khud ne to vlog start nahi kiya. So the credit of this vlog actually goes to Swagata, but I thought of continuing because I had this very important update to share with you. So अभी सो दो चीज आप हमेशा याद रखना वैक्सीनेशन के बाद, अल्कोहल फॉर 1 डे एंड लेट मी टेल यू वेट अल्कोहल फॉर 1 डे एंड फॉर 1 सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, अल्कोहल फॉर 1 डे नहीं, अल्कोहल फॉर 1 मंथ और एक्सरसाइज फॉर 1 डे। ओके सो यू हैव टू स्किप योर जिम, और वैसे तो खाने के लिए कुछ भी खा सकते हो बाकी का, इसलिए मैंने एक्चुअली स्पेसिफिकली उसको पूछा बताया कि नॉनवेज खा सकता होगी नहीं, इमीडिएटली नॉनवेज खा सकते हो, सच खाने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पीने पे है। चाइना का वैक्सीन है और वो लोग सोचे अरे हमने डेवलप ही ऐसा किया कि तुम लोग कुछ भी खा सकते हो। सो गाइस विद दिस इंपॉर्टेंट अपडेट आई वुड लाइक टू एंड दिस व्लॉग राइट हियर राइट नाउ एंड आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, इफ यू लाइक दिस फॉर व्हाटसोएवर रीजन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक ऑप्शन एंड डू कमेंट अस इन द comment section below as in what you felt about this vlog and what you want us to do in the next vlog or any suggestion that you may have or any feedback that you may have about this vlog or any other vlog rather. So with that said guys, stay blessed, stay happy, and enjoy.